नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी दवा के बारे में जो मेल इन्फर्टिलिटी के अंदर नपुंसकता के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा है और इस दवा का नाम है नुफरलुटिया। नुफरलुटिया दोस्तों एक होम्योपैथी मेडिसिन है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों मेल इन्फर्टिलिटी के अंदर। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि अगर महिलाएँ कंसीव नहीं कर पाती तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो उन्हीं की फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आजकल की जो मेडिकल साइंस है उन्होंने ये जो कंक्लूज़न निकाला है कि जितने भी ऐसे इस तरह के इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उनके अंदर अकेली महिलाएं जिम्मेवार नहीं होती, पुरुष भी इसके अंदर 60% के भागीदार होते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह जो होती है दोस्तों वो होते हैं हमारे स्पर्म के अंदर या सीमन के अंदर किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट। अगर आपका स्पर्म काउंट सही नहीं है या आपका स्पर्म काउंट नील है या बहुत कम है, आपके स्पर्म एक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेड, मतलब आपके डेड स्पर्म ज़्यादा है एक्टिव स्पर्म कम है आपके अंदर, या आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही नहीं है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम है जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्शन नहीं आ रहा, तनाव नहीं आ रहा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं आ रही, या आपका जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा थिन है जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो सीमन जो है वो होल्ड नहीं हो पा रहा है, वॉल्यूम सही नहीं है, कलर सही नहीं है, या आपका जो जो स्पर्म है उसका हेड टेल या मिड पीस है वो किसी तरह से डिफेक्टेड है, तो क्या होगा, महिलाएं कंसीव नहीं कर पाएंगी, आप फर्टाइल नहीं कहलाएंगे। तो इन सब चीज़ों के आकलन से हमें एक चीज़ पता लगती है कि पुरुष की जो फर्टिलिटी है वो स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर और सीमन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और एक जो चीज़ है वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल। इन सब चीज़ों पे जो है वो मेल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है। तो ऐसी सब कंडीशन के अंदर नुफरलुटिया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अगर मेल इनफर्टाइल है तो। दोस्तों जो नुफरलुटिया प्लांट है उसके बारे में हम थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों ये वाटर के अंदर ग्रो होता है, इसको हम येलो वाटर लिली कहते हैं। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर या अफ्रीका के अंदर या यूरोप के अंदर ये प्लांट पाया जाता है। इंडिया के अंदर ये प्लांट कल्टीवेट नहीं होता है, पाया नहीं जाता है। जो भी इंडिया के अंदर चाहे कोई भी कंपनी है, चाहे SBL है, स्वाबे है, कोई भी कंपनी है, अगर वो बनाती है मेडिसिन नुफरलुटिया तो उसको बाहर से ही मंगवाना पड़ता है प्लांट। और इसी वजह से जो नुफरलुटिया मेडिसिन है उसका नुफरलुटिया का जो मदर टिंचर है वो और मदर टिंचर के कंपेरेटिवली थोड़ा कॉस्टली होता है, यही वजह है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर है कि जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ है, सीमन की क्वालिटी या सीमन की क्वांटिटी या सीमन का जो स्पर्म का जो काउंट है अगर वो कम हुआ है तो हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई लक्षण आएंगे और उन लक्षणों के लिए नुफरलुटिया बहुत अच्छी है। तो वो किस तरह के लक्षण होंगे दोस्तों ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथी दवाई जब भी काम करती है वो लक्षणों के आधार पर काम करती है। अगर आपको लक्षणों का पता है तभी हम उस दवा को दे पाएंगे, अकेला हम टेस्टोस्टेरोन लेवल पे स्पर्म का सीमन एनालिसिस करवा के और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा के, यानी आपने फ्री टेस्टोस्टेरोन करवा लिया है, टोटल टेस्टोस्टेरोन करवा लिया, उसके बेसिस पे हम नुफरलुटिया नहीं दे सकते। हम किसी भी दवा को देंगे उसके लक्षण के आधार पर। तो किस तरह के लक्षण होंगे जिस आधार पर हम इस दवा को दे सकते हैं? तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों सेक्सुअल डिज़ायर, यानी काम इच्छा जो है वो पुरुषों में कम होना या ख़त्म हो जाना बिल्कुल ही। अगर आपके अंदर सेक्सुअल की इच्छा ही नहीं है तो नुफरलुटिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं आप किसी वजह से तो आप क्या है फर्टाइल नहीं कहलाएंगे, आप क्या है कंसीव महिलाएँ नहीं कर पाएगी, आपका पार्टनर कंसीव नहीं कर पाएगा अगर आप इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं तो। इंटरकोर्स न कर पाने के पीछे वजह क्या है दोस्तों? जो इरेक्शन है, तनाव है वो कम है या बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा सा तनाव आया और फिर वापस चला गया। इसके लिए आपने बहुत सारे ऑयल्स, मेडिसिन या बहुत ज़्यादा अप्लाई की पर वो टेम्परेरी थी। तो अगर आप परमानेंट चाहते हैं, क्योर चाहते हैं, तो होम्योपैथी से पॉसिबल है और नुफरलुटिया से पॉसिबल अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम है तो। दूसरा दोस्तों, पेनिस क्या है धीरे धीरे रिट्रैक्ट होने लगता है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल सही नहीं होता तो क्या होता है, पेनिस धीरे धीरे रिट्रैक्ट होने लगता है, छोटा होने लगता है, स्क्रोटम जो है आपका स्क्रोटम वो रिलैक्स होने लग जाता है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो जाता है, डिस्चार्ज जो है अर्ली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा डिस्चार्ज। वो जो सीमन है वो थिन होने की वजह से क्या है कि स्क्रोटम के अंदर होल्ड ही नहीं होगा वो और वापस बाहर निकल जाएगा, थोड़ी सी एक्साइटमेंट आई, थोड़ा सा इरेक्शन आया या विदाउट इरेक्शन भी क्या है डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पर्मेटोरिया के अंदर अगर आपका सीमन पतला है तो थोड़ा सा भी टच करने से, अगर फीमेल पार्टनर ने आपको थोड़ा सा टच कर दिया या आपको किसी तरह का कोई ड्रीम्स आया, ऐसा इस तरह का कोई सेक्सुअल ड्रीम्स आपके माइंड में आया, या फिर आपने स्टूल पास करने के लिए आप गए, आपने पुश किया, जोर लगाया, या आपने यूरिन पास करने के लिए आप गए, इन सभी कंडीशन के अंदर क्या है आपका जो सीमन है वो धीरे धीरे एक लार की तरह निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही स्पर्म निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जल्दी स्पर्म रिलीज होता है या धीरे धीरे निकलता रहता है लार की तरह,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सीमन लॉस होना शुरू हो जाता है, और जब सीमन लॉस होता है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, आपके लातों के अंदर या थाइज के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपके चेहरे के ऊपर पीलापन आना शुरू हो जाएगा, आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, आपको थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे लगेगा जैसे एनर्जी ही नहीं है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप कमज़ोर दिखने लगेंगे एज़ कम्पेयर टू पहले, जो जैसे भी आपका वेट था जितना वेट था उसके कंपेरेटिवली आप थोड़ा कमज़ोर दिखने लगेंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका फीमेल पार्टनर काफ़ी इफेक्ट होता है, अगर आपके अंदर सेक्सुअल वो पावर नहीं है तो आपका क्या है, फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर दोनों परेशान होते हैं, इसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाना एक अलग वजह है, लेकिन प्लेजर एक अलग चीज़ है, वो दोनों में क्या है, दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह के लक्षणों के अंदर, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं जो सीमन से और टेस्टोस्टेरोन लेवल से रिलेटेड है, आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में नुफरलोटिया दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव दवा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की और इसकी पोटेंसी की। नुफरलोटिया को दोस्तों ज़्यादातर मदर टिंचर में इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने आप से ले रहे हैं दवा, किसी डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हैं तो आपको मदर टिंचर लेना चाहिए। तो मदर टिंचर के आप 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद 1/4 कप पानी के साथ दे सकते हैं दोस्तों। मदर टिंचर मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ दोस्तों क्योंकि मदर टिंचर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, अगर आप 15-20 दिन या महीने तक ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 1 महीने के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही उस दवा को लें। अगर आप इस तरह से किसी डाइल्यूशन के अंदर, जैसे 6 पोटेंसी के अंदर, 30 के अंदर, 200 के अंदर, 1 ml के अंदर अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। फिर आप कमेंट में कमेंट आएंगे आपके कि सर इसको 30 पावर में कैसे लेना है, 200 पावर में कैसे लेना है, तो सर मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कि आप पोटेंसी की मतलब डाइल्यूशन के अंदर आप किसी भी दवा को लीजिए, CH पोटेंसी के अंदर नहीं लेना है आपको। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप मदर टिंचर के अंदर लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, उसके कम साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, अगर आपको 1 महीने तक मदर टिंचर से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वो प्योर एक्सट्रैक्ट है, अगर उसी से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर आपको किसी डॉक्टर की सलाह से ही सेकेंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर मियाजमेटिक मेडिसिन देते हैं, एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन, एंटी मियाजमेटिक जो लोग होम्योपैथी के जानकार हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, जो होम्योपैथी के बारे में अच्छा जानते हैं, वो मियाजम के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। इसीलिए क्या है कि जिस चीज़ का ज्ञान आपको नहीं है वो काम हमें नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, आप उनके उनका ओपिनियन लीजिए, उनके ओपिनियन के हिसाब से ही मेडिसिन लीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं, कोई भी होम्योपैथ है या कोई भी डॉक्टर है, जब भी यूट्यूब पर वीडियो डालता है तो उसका एकमात्र मकसद होता है आपको एजुकेट करना, उसका मकसद होता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अंदर भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप एलोपैथी के अंदर मेडिसिन लेते जाएंगे लेते जाएंगे, इस तरह के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं आप लेते जाते हैं, तो उसको क्या वो टेम्परेरी काम करते हैं, एक तो परमानेंट उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, दूसरा क्या है उनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका शरीर ख़राब होने लग जाता है। और कुछ देसी दवाएँ ऐसी होती हैं जो कुछ भी मिला के आपको दे देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता उसके अंदर क्या है, स्टेरॉइड्स होते हैं, उससे एक बार तो आपको एक्साइटमेंट आती है, इरेक्शन आता है, फिर वापस वो डाउन चला जाता है, और उससे ही ज़्यादा वीकनेस आपके अंदर आ जाती है, जिसमें आप पहले स्टेज पे थे उससे भी पीछे चले जाते हैं आप। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ एजुकेट करना है, हमारा मकसद ये नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो आप नुफरलोटिया ले ही लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको एकदम जेन्युइन और सही लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इसी नंबर पर आप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप किसी भी तरह की कोई जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।